हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप रियलमी के डिवाइस यूज करते हैं तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सितंबर का जो अपडेट है किन किन डिवाइस में देखने को मिल चुका है। इस वीडियो में आपको फुल जानकारी देने वाले, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाले, वीडियो को एंड तक बने रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो Realme 5i में सितंबर का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। अगर आपको अभी तक सितंबर का जो अपडेट देखने को नहीं मिला है Realme 5i में, तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना, सभी डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। आपको ये अपडेट दोस्तों सभी डिवाइस में देखने को मिलेगा, कुछ दिन वेट कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। सितंबर का जो अपडेट कर दो, इसमें C.75 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों कोई भी नया फीचर देखने को नहीं मिला है। इसमें दोस्तों कुछ भी इशू होगा सिस्टम को लेकर फिक्स कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं Realme 8 Pro के बारे में। अगर आप Realme 8 Pro यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, सितंबर का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। ये OTA अपडेट दोस्तों सभी डिवाइस में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे दोस्तों सभी डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सितंबर का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। अगर आप Realme 8 Pro यूज करते हैं तो इसमें आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा, 8.42 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। अगर आप Realme 8 यूज करते हैं तो 8.20 का आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। सितंबर का जो अपडेट कर दोगे तो ये आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। अगर आप Realme GT सीरीज यूज करते हैं तो OTA अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है सितंबर का। सितंबर का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है Realme GT सीरीज में दोस्तों। इसमें दोस्तों 8.14 का आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। अगर आप Realme GT सीरीज यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, सितंबर का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं Realme X7 Max में सितंबर का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। OTA अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको अभी तक OTA अपडेट देखने को नहीं मिला तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना, आपको दोस्तों कुछ दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों 8.19 का आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। सितंबर का जो अपडेट है दोस्तों इसमें रोल आउट कर दिया गया है Realme X7 Max 5G स्मार्टफोन में। ये OTA अपडेट है दोस्तों, ये अपडेट दोस्तों सभी डिवाइस में देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं मिला तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना, आपको भी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं Realme X2 के बारे में। Realme X2 में दोस्तों सितंबर का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। OTA अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको अभी तक OTA अपडेट देखने को नहीं मिला तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना, आपको भी सितंबर का जो अपडेट है देखने को मिल जाएगा Realme X2 में। इसमें दोस्तों आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा, 8.23 का आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको भी अपडेट मिल जाएगा, सितंबर का जो अपडेट है देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं Realme C15 के बारे में। Realme C15 में सितंबर का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। सितंबर का जो अपडेट है दोस्तों रोल आउट कर दिया, OTA अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको अभी तक OTA अपडेट देखने को नहीं मिला तो आपको कुछ दिन वेट करना, आपको भी सितंबर का जो अपडेट है देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा, 7 का आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अभी तक OTA अपडेट देखने को नहीं मिला तो आपको कुछ दिन वेट करना, आपको भी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर रहे थे Realme C12 में दोस्तों। Realme C12 में दोस्तों सितंबर का जो अपडेट है दोस्तों ऑफिशियली जो रोल आउट कर दिया गया है दोस्तों, ये अपडेट दोस्तों OTA अपडेट है, ये दोस्तों सभी डिवाइस में देखने को मिलेगा। अगर आपको अभी तक सितंबर का जो अपडेट देखने को नहीं मिला तो आपको कुछ दिन वेट करना, आपको भी देखने को मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें दोस्तों आपको क्या लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा, 7 का भी लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा Realme C12 में। अब बात कर लेते हैं Realme C25 में। Realme C25 में सितंबर का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। ये दोस्तों OTA अपडेट है दोस्तों, ये अपडेट दोस्तों सभी डिवाइस के लिए है। अगर आप Realme C25 यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, सितंबर का जो अपडेट है ऑफिशियली जो रोल आउट कर दिया गया है। तो इसमें यह अपडेट दोस्तों कुछ दिन में आपको भी देखने को मिल जाएगा, अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो। इसमें दोस्तों आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा, 8.22 का आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा Realme C25 में, सितंबर का जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं Realme C21 में। Realme C21 यूज करते तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, सितंबर का जो अपडेट है दोस्तों रोल आउट कर दिया गया है। दोस्तों OTA अपडेट है दोस्तों, ये सभी डिवाइस के लिए है दोस्तों। अगर आप Realme C21 यूज करते तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, सितंबर का जो अपडेट दोस्तों ऑफिशियली जो रोल आउट कर दिया गया है Realme C21 में। इसमें आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा, 8.53 का आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा Realme C21 में।
आप समझ चुके हैं दोस्तों किन किन डिवाइस में सितंबर का जो अपडेट है रोल आउट किया गया है। दोस्तों अगर आपको अभी तक सितंबर का अपडेट नहीं मिला है तो आपको इस मंथ में दोस्तों आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारे भाई मुझे कमेंट कर पूछ रहे थे कि Realme 3i में, Realme 3 Pro में, 5 Pro में सितंबर का अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है, दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा दोस्तों इस मंथ आपको 100% देखने को मिल जाएगा। अगर आप Realme 3i, Realme 3 Pro, 5 Pro, Narzo का सीरीज यूज करते हैं, आपको कोई सभी सीरीज यूज करते हैं, अगर आपको सितंबर का जो अपडेट देखने को नहीं मिला तो आपको इस मंथ में दोस्तों आपको सितंबर का जो अपडेट नहीं मिला तो इस मंथ दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को भी तो फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।